हरे कृष्ण। सो वी सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग वर्सेस ऑफ द 11th चैप्टर ऑफ गीता एंटाइटल्ड द यूनिवर्सल फॉर्म। अब तक हमने देखा कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कृपया व्यथित न हो, मैं अपना स्वयं रूप अर्थात चतुर्भुज और द्विभुज रूप आपको दिखाता हूँ, इसे देख करके आपकी व्यथा कम हो जाएगी और मेरे प्रति आपका जो स्वाभाविक प्रेम था वो पुनर्जागृत हो जाएगा। और वो रूप जब देखते हैं अर्जुन कहते हैं, ओ नाउ आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, आई एम एस्टेब्लिश्ड इन ट्रैंक्विलिटी। और भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये रूप देखना अत्यंत दुर्लभ है। कल के श्लोक में हमने देखा, भगवान कहते हैं सारे बड़े बड़े देवतागण भी इस रूप को देखने के लिए लालायित होते हैं, दर्शन की आशा रखे रहते हैं इस रूप को देखने के लिए। आज के और कल के श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि अरे, अगर आपको मेरे इस रूप का दर्शन करना है, हाउ कैन यू डू इट, वॉट इज द क्वालिफिकेशन टू सी दिस फॉर्म। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस वेर इन एक्सक्लूसिव सरेंडर, एक्सक्लूसिव वर्शिप इन डिवोशनल सर्विस इज emphasized in its paramount state. In text 53 of the chapter 11 we have, Naham vedairna tapasa nadanena cha ijjaya shakya evam vidho drishtam drishtavanasi mam yatha. The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship, nor is it, it is not by these means that one can see me as I am. तो मुझे आप इन किसी भी तरीके से नहीं देख सकते, न वेद अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न मेरी उपासना से, नहीं, you can't see me. So how can we see him? There is a similar verse of this sort in Mundak Upanishad. 108 उपनिषदों में से मुंडक उपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिसके तृतीय श्लोक में भगवान कहते हैं, नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो न मेध्यान बहुना श्रुतेन ये मई वै शिवृणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा वृणते तनुम स्वां। भगवान कहते हैं, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, आप अपने आत्मा को या मुझे केवल प्रवचनों को बोल करके या सुन करके आप उसका साक्षात्कार नहीं लगा सकते। न मेध्या, नॉट बाय टू मच इंटेलिजेंस, न च बहुना श्रुतेन, ओ यू कीप हियरिंग मेनी सब्जेक्ट मैटर्स ऑन दिस सोल एंड सुपर सोल एंड यू विल अंडरस्टैंड मी, नो। How can we understand him? Krishna says, Yem evaish vrunate tena labhyas. Whom I choose, only he is able to see me. In what way? Tanum swam. In my self same form, only those whom I choose are able to see me. So, Bhagwan ko dekhna, Bhagwan ka bhakt banna. Bhagwan ka bhakt har koi ban sakta hai. लेकिन भगवान के बहुत निकटवर्ती संबंध है, ये बहुत मुश्किल है। इट इज लाइक, ओ somebody इज इन रियली maddened, what do you say, फ्रॉम हार्ट वन इज रियली अट्रैक्टेड टू नरेंद्र मोदी, ही कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स ओके, बट ही cannot बी अ वेरी confidential पर्सन विथ नरेंद्र मोदी, दैट इज वेरी रेयर। 130 करोड़ भारतवासी हैं, नरेंद्र मोदी उन सबके लिए कार्य कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी नरेंद्र मोदी के इतने करीब हैं कि उन सबको नरेंद्र मोदी नाम से जानता है, नो। सो बिकमिंग द डिवोटी ऑफ कृष्णा इज वन थिंग, एंड बिकमिंग सच अ डिवोटी दैट वन इज वेरी वेरी क्लोज टू कृष्णा इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो दैट्स हाउ वी सी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मुक्तिज, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य,
सालोक्य एंड सारुष्टि. सायुज्य मीन्स गोइंग एंड मर्जिंग इन द इम्पर्सनल ब्रह्मन एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड. वैष्णवास रिजेक्ट दिस काइंड ऑफ मुक्ति. मायावादी एस्पायर फॉर दिस काइंड ऑफ मुक्ति. मैं भगवान के साथ एक हो जाऊंगा, सायुज्य. दूसरा है सारूप्य, भगवान का जैसा चतुर्भुज रूप है वो मुझे प्राप्त होगा, सारूप्य. थर्ड इज सालोक्य, भगवान जिस वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में है वहां पे मैं रहूंगा. फोर्थ इज सारुष्टि, भगवान का जैसा ऐश्वर्य है उस प्रकार ऐश्वर्य मुझे प्राप्त होगा. लेकिन इन तीनों में भी सारुष्टि, सालोक्य और सारूप्य, इन तीनों में भी इट डज नॉट गारंटी पर्सनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. वेर सामीप्य मुक्ति मीन्स सर्विंग वेरी क्लोज टू द लॉर्ड, दैट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी स्पेशल, कि मैं भगवान का बहुत निकटवर्ती पार्षद हूं. ऐसी अवस्था बहुत विरलोकी होती है. सो बेसिकली वैष्णवाज रिजेक्ट सायुज्य, बट अ वैष्णवा मस्ट at least aspire for samipya. A Vaishnava doesn't aspire for mukti, he aspires for service, he aspires for seva. So Bhagwan se har ek Vaishnava prarthana karta hai, Bhagwan aap mujhe jahan bhi rakhiye. So aap jaise bhi mujhe rakhna chahe Bhagwan, aap rakhiye. Keval aapke bhakton ka sang mujhe dijiye, आपके नाम के प्रति रुचि दीजिए और आपके भक्तों की सेवा दीजिए. ये तीन चीज. मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि तो कृष्ण जन्म हो यथा तुवा दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आश. भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं. सो भक्ति विनोद ठाकुर दूसरे एक श्लोक में कहते हैं, पशु पाखी हो या स्वर्गे वा निरये, तव भक्ति रहूं भक्ति विनोद हृदय. सो मैं पशु पक्षी हूं या स्वर्ग में रहूं या नरक में रहूं, आपके चरणों के प्रति भक्ति हमेशा मेरे पास बनी रहे. भक्ति का सीधा सीधा इक्विवेलेंट है प्रेममयी सेवा. व्हाट डज भक्ति मीन? भक्ति मीन्स लविंग सर्विस. सो व्हेन देयर इज सर्विस, विदाउट सर्विस एंड विदाउट द प्रीरिक्विजिट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इंटेंस अटैचमेंट, भक्ति डजंट मैनिफेस्ट. So intensely attached service to Krishna is equal to bhakti. So service means there is activity, and intensely attached means mind. So mind is intensely attached and senses are in service. That is how bhakti is performed. And tomorrow Krishna will tell us how this is the basic and the only qualification to see me. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,